हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए कितना अच्छा और रियलिस्टिक वास्तविक जो है हमारे WBG 6G का मॉडल लग रहा है ना। मैंने इस मॉडल को बनाया है पूरे कार्डबोर्ड से और पेपर से। इस टाइप का एक रियलिस्टिक मॉडल बनाना सच में बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ता है। आज की ये वीडियो अगर आप पूरी देखते हैं तो आप भी शायद अपने बलबूते पर आप खुद का एक रेलवे इंजन मॉडल बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में खास आप ही के लिए लेके आया हूँ। अगर आप भी ये मॉडल बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसा कि मैंने यहाँ पे कैब की डाइमेंशंस वगैरह दे रखी हैं, तो इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि किस टाइप से मैंने इसकी कितने कितनी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ली है। और उसको जो है हम आउटलाइंस को यहाँ पे कट करने के बाद कैब को यहाँ पे बनाना चालू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो इसके एजेस है उससे मैं फोल्ड करके यहाँ पे इसको कैब की शेप दे रहा हूँ धीरे धीरे। और इसका जो सामने वाला पोर्शन है जहाँ पे विंग शील्ड और वो हेडलाइट्स वगैरह होती है, वो हम इसके अलग से बना के चिपकाने वाले हैं। तो अभी आप देखिए कि कैब कैसे बना रहा हूँ मैं। तो कार्ड शीट के किनारों को फोल्ड करने के बाद मैं इस पर फेविकॉल लगा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इसकी दीवारों के नाप के बराबर का कार्डबोर्ड पीसेस काट के मैं इसके ऊपर यहाँ पे चिपका रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारी जो कैब है वो अंदर से भी बिल्कुल मजबूत रहनी चाहिए। तो बारी बारी से जो है सभी दीवारों के नाप का कार्डबोर्ड पीसेस काट के इसको यहाँ पर चिपका देना है। इससे जो हमारी कैब है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अंदर से भी और बाहर से भी, ये बिल्कुल स्मूथ रहेगी और इस पर कोई डेंट वगैरह नहीं पड़ेंगे आगे इन फ्यूचर। और कैप का स्ट्रक्चर भी हमारा जो है फिक्स रहेगा। तो अभी जो है सारे कार्डबोर्ड के पीसेस इस चार्ट शीट पर चिपक चुके हैं और जो आप देख सकते हैं मैं इसको किस टाइप से फोल्ड कर रहा हूँ सारे कार्डबोर्ड पीसेस चिपकाने के बाद। तो आपको भी ठीक इसी टाइप से फोल्ड करना है अगर आप 6G का मॉडल बना रहे हैं या फिर 4G का मॉडल भी बना रहे हैं। तो दोनों की सेम प्रोसेस है, 4G और 6G का कैप दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो अब हम बनाएंगे इसका सामने वाला हिस्सा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सामने वाला हिस्सा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डायमेंशंस दे रखी हैं और बीच में 8mm का यहाँ पे गैप दे रखा है। वो आप अभी जान जाएंगे मैंने 8mm का यहाँ पे गैप क्यों दिया है। ये जो लाइन है इसको हमें यहाँ से फोल्ड करना है 8mm वाली लाइन को। तो अब जो है हमारी यहाँ पे जो सामने वाला हिस्सा है कैप का वो बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है। बीच में आपको थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लाइट के जस्ट ऊपर, तो वही हिस्सा है जो मैंने 8mm की स्ट्रिप जो वहाँ पे दिखाई दी आपको वहीं से मैंने इसको फोल्ड किया है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमारा कैप का सामने वाला हिस्सा बन के तैयार हो चुका है और इसमें मैंने हेडलाइट्स भी फिट कर दिए हैं, हेडलाइट्स और मार्कर लाइट्स। तो अब हम जो है सामने वाला जो हिस्सा है इसको यहाँ पे कैप पे चिपकाएंगे। तो आप देख सकते हैं किस टाइप से मैं इसको यहाँ पे चिपका रहा हूँ। इसके लिए जो है मैंने वायर इसके पहले से ही अंदर डाल दिए थे और कैप का जो पीछे वाला वॉल था उसमें मैंने छेद करके वायर को वहाँ से पीछे की साइड से निकाल लिया था। और अभी जो है मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे चिपका रहा हूँ अच्छे तरीके से। और आप देख सकते हैं चिपकने के बाद ये कैप कैसी लग रही है। इसकी टेल लाइट्स मतलब सॉरी मार्कर लाइट्स जो है वो अच्छी तरीके से ग्लो कर रही है और कितनी शानदार हमारी कैप लग रही है। और अभी जो है हम कैप के ऊपर जो AC यूनिट होता है उसकी डायमेंशन यहाँ पे मैंने दे रखी है और इसको मैंने यहाँ पे काट के चिपका लिया था कैप के ऊपर। अब जो है हम WDG 6G की बॉडी शेल बनाने वाले हैं, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे डायमेंशन दे रखी हैं। बॉडी शेल हमारा दो हिस्सों में बनने वाला है, एक मिडल वाला हिस्सा और एक जो इसका लॉन्ग हुड फॉरवर्ड होता है वो हिस्सा हम अलग बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे इसका मिडल वाला हिस्सा जो है वो बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके डायमेंशन दे दिए थे पहले ही बॉडी शेल के और उसको मैं अब काट के इसको किनारे से फोल्ड कर रहा हूँ। जहाँ पे मैंने लाइनें खींची हुई है उधर की तरफ से मैं इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से फोल्ड कर रहा हूँ। फोल्ड करने के बाद जो है इसके अंदर हम वही इसकी हड्डियाँ बनाएंगे, मतलब कि कार्डबोर्ड के जो पीसेस हैं उसको बराबर लंबाई और चौड़ाई में काट के हम इसके अंदर यहाँ पे चिपकाने वाले हैं अंदर की साइड में, जिससे कि जो है हमारा बॉडी शेल भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे इस बॉडी शेल के लिए ढक्कन बनाने वाला हूँ। ये ढक्कन जो है हम दोनों तरफ लगाएंगे,
ढक्कन में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जो बॉडी शेल है उसकी जो दोनों दीवारें हैं उसके बीच की लंबाई कभी कम ज़्यादा ना हो, तो इसके लिए ये इन दोनों दीवारों को जो है बराबर डिस्टेंस पे मेंटेन करके रखेगा। अभी मैं यहाँ पे बॉडी शेल के लॉन्ग वुड फॉरवर्ड वाला हिस्सा बनाने वाला हूँ, तो उसके डायमेंशंस मैंने यहाँ पे दे रखे हैं साइड में से भी, और जो सामने वाला हिस्सा होता है उधर से भी मैंने इसके डायमेंशंस दे रखे हैं। और जो सामने वाला हिस्सा है इस टाइप के हमें दो कार्डबोर्ड कट करने हैं, तो आप देख सकते हैं एक कार्डबोर्ड का भी इसमें यहाँ पे कट कर लिया है और इसको जो है अब मैं यहाँ पे इसके साइड वॉल्स बनाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से मैं कार्डबोर्ड के स्ट्रिप्स को लॉन्ग वुड फ्रंट वाली जो वॉल होती है उसके नाप को जो मैंने कार्डबोर्ड पीस काटा था उसके ऊपर मैं चिपका रहा हूँ। इसको चिपकाने के लिए मैंने फेविक क्विक का इस्तेमाल किया है। उसका इस्तेमाल करने का रीज़न ये था कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी सूख जाती है और इससे मजबूती भी मिलती है हमें। और जो कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स है इस पर मैंने मार्कर से इसकी चौड़ाई लिख रखी है, कितने सेंटीमीटर की चौड़ाई का मैंने काटा है, तो आप देख सकते हैं इसको। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि फ्रंट वॉल के लिए हमको दो शेप सेम शेप के कार्डबोर्ड पीसेस काटने हैं, तो जो एक कार्डबोर्ड पीस था वो तो मैंने चिपका दिया बॉडी शेल पे, और अब दूसरे जो कार्डबोर्ड पीस है उसमें मैं हेडलाइट्स के लिए होल बना रहा हूँ। हेडलाइट्स और जो इमरजेंसी लाइट होती है उसके लिए यहाँ पर मैं तीन होल बना रहा हूँ, और बाद में मैं इसको कटर से काट के इसके बॉडी शेल पर सामने की तरफ चिपका दूँगा। तो आप देखिए किस टाइप से मैं इसमें हेडलाइट्स फिट करके इसको बॉडी शेल पर चिपकाने वाला हूँ। तो अभी जो है हेडलाइट्स दोनों कनेक्ट हो चुकी है, चिपक चुकी है ठीक से बॉडी जेल में, और अभी आप देखेंगे ठीक से जल भी रही है हेडलाइट्स दोनों। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि आगे जो है हमने दो बॉडी सेल बनाए थे, एक तो मिडल वाला और एक लॉन्ग वुड फॉरवर्ड वाला। तो मिडल वाले को जो है कैप से चिपका देना है बॉडी सेल को, और लॉन्ग वुड फॉरवर्ड वाला जो बॉडी सेल है उसको हमें मिडल वाली बॉडी सेल से चिपका देना है। देखिए आप किस प्रकार मैं इसको चिपका रहा हूँ। अब तीनों बॉडी पार्ट्स को चिपकाने के बाद मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए और मजबूती से चिपक जाए। अपर बॉडी शेल के ठीक से चिपकने के बाद अब जो है मैं इस बॉडी शेल के लिए एक बेस बना रहा हूँ। बेस की मैंने डायमेंशन यहाँ पे दे रखी है, लंबाई और चौड़ाई तो आप देख सकते हैं, और इसको जो है मैं बॉडी शेल को इस बेस के ऊपर चिपका दूंगा। ये बेस भी जो है प्योर कार्डबोर्ड का ही है, तो आपको कार्डबोर्ड का बेस लेना है, इसकी डायमेंशन मैंने यहाँ पे दे रखी है, और इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से फेविकॉल या ग्लू लगा के इसको बेस के ऊपर अच्छी तरीके से चिपका देना है, और इसको चिपकाने के बाद हमको 2-3 घंटे के लिए इसको अच्छी तरीके से सूखने के लिए छोड़ देना है। बॉडी शेल और बेस को अच्छी तरीके से चिपक जाने के बाद मैंने इसको बाद में पूरे मॉडल को जो है पेपर और ग्लू की लेयर से इसको पूरा कवर कर दिया था, जिससे कि हमारा जो मॉडल है उसका हर एक बॉडी पार्ट जो है अच्छी तरीके से चिपक जाए और कभी इन फ्यूचर अलग नहीं हो। तो आप देख सकते हैं किस टाइप से मैंने इस पर पेपर वगैरह का जो लेयर है वो चिपका दिया था, और उसके बाद जो है मैंने इसके बेस के नीचे
आप यहाँ पे जो डायमेंशन देख सकते हैं, इस लंबाई और चौड़ाई का एक कार्डबोर्ड स्टिक कट करके उसके नीचे चिपका दिया था। ये जो कार्डबोर्ड की लंबी स्टिक्स हैं, जो दो स्टिक्स हैं दोनों साइड में, ये हमारी जो बॉगीज और जो डीजल टैंक है उसको होल्ड करने के काम में आने वाली हैं आगे। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मैंने दो कार्डबोर्ड पीस कट करके काओ केचर घाट की शेप में इसको कट कर लिया था और इसकी डायमेंशंस मैंने यहाँ पे दे रखी है। तो इस टाइप के जो है हमको दो कार्डबोर्ड पीसेस कट करने हैं। इसको हम जो मॉडल है उसके दोनों तरफ चिपकाने वाले हैं। ये हमारे काओ केचर घाट के काम करेगा और इसी पे जो है बाद में हम बफर्स वगैरह लगाने वाले हैं। इस सब के बाद अब हमारा काम बचता है सिर्फ इस लोगो के मॉडल पे पेंटिंग करने का काम। तो आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स में किस टाइप से मैंने इसको कलर किया है। इसको कलर करने के लिए मैंने फेब्रिक कलर का यूज़ किया है। जो फेब्रिक कलर की एक 20 रुपये वाली शीशी आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। ये कलर फुल्ली वाटरप्रूफ होता है और बहुत शाइन भी देता है ये सूखने के बाद। मॉडल की कलरिंग के बाद जो इस पर डिटेलिंग का काम है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे और बाकी जो फॉन्ट्स लिखे हैं इस पर, इन सबको मैंने पेंट ब्रशेस से ही लिखा है। और आप जैसे कि देख सकते हैं साइड में काले कलर की जो जालियाँ हैं जो लोगों में होती है RHF मोड में, उसको भी मैंने ब्लैक कलर से ही पेंट किया है। और साइड में आप देख सकते हैं विंडोज़ वगैरह और जो विंडशील्ड है उसको भी मैंने पेंट ब्रश से ही इसको पेंट किया है। और आप आगे देखेंगे कि जो साइड वॉल्स है उस पर काले कलर की जो लाइनें हैं इसको मैंने ब्लैक मार्कर से इसके ऊपर ड्रॉ किया है। और ऐसा करने से जो हमारा मॉडल है वो और भी रियलिस्टिक लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। इसके बाद मॉडल की अपर बॉडी शेल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और अब बस साइड में आयरन ग्रिल्स लगाने का काम बचता है। जो आयरन की रॉड्स होती है साइड में वो लगाने का काम बचता है। हमारे WDG6G का अपर बॉडी शेल बन चुका है और अब बारी आती है WDG6G के लोअर बॉडी पार्ट्स बनाने की। लोअर बॉडी में आते हैं दो बॉगीज और एक डीजल टैंक। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि डीजल टैंक कैसे बनाते हैं। डीजल टैंक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डायमेंशंस यहाँ पे दे रखे हैं। तो मैंने इस डायमेंशंस के जो है अलग अलग 5 कार्डबोर्ड पीस कट कर लिए थे और बाद में मैंने इनको फेविक्विक की हेल्प से जोड़ा था। ये जो आपको बीच में बड़ा वाला कार्डबोर्ड पीस दिख रहा है, ये जो हमारे डीजल टैंक है उसका बेस बनने वाला है। आपको आसानी से समझ में आए इसलिए मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड पीसेस की नंबरिंग कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता जाऊँगा कि कैसे कैसे मैंने इनको इसके बेस पे जोड़ा है। तो अब जो हमारा 1 नंबर और 2 नंबर वाला कार्डबोर्ड पीस है उसको हमें बेस पे जोड़ देना है आमने सामने। ठीक इसी टाइप से जो 3 नंबर और 4 नंबर वाला कार्डबोर्ड पीस है लंबा वाला, उसको भी हमें आमने सामने दूसरी साइड जोड़ देना है। तो इस टाइप से हमारा डीजल टैंक बनके तैयार हो जाएगा और इसकी चारों दीवारी बनके तैयार हो जाएंगी डीजल टैंक की। मॉडल की लाइट को जलाने और मॉडल की मोटरों को चलाने के लिए जो बैटरी हमें चाहिए उसको मैंने डीजल टैंक के अंदर फिट कर दिया है। और बैटरीज को चार्ज करने के लिए मैंने 2 USB A-Type फीमेल टाइप जो पोर्ट होते हैं उसको भी मैंने डीजल टैंक की दीवारों के अंदर ही गाड़ दिया है, अच्छी तरीके से चिपका दिया है। और बाद में डीजल टैंक के कंप्लीट होने के बाद मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया था कार्डबोर्ड पीस से और इसमें से मैंने छेद करके वायर भी निकाल ली थी बैटरी को मोटर और हेडलाइट से कनेक्ट करने के लिए। इस सब के बाद मैंने डीजल टैंक को बॉडी शेल के नीचे अच्छी तरीके से फेविकॉल की हेल्प से चिपका दिया था, तो ये अब इन फ्यूचर कभी उखड़ेगा नहीं, यानी कि कभी निकलेगा नहीं। अपर बॉडी शेल कंप्लीट होने के बाद अब बारी आती है हमारे 6G के मॉडल के पैर बनाने की, यानी कि इसके व्हील्स और बॉगीज बनाने की। तो बॉगीज बनाने के लिए आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने इसका जो मेन बॉगी फ्रेम होता है उसकी मैंने यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। तो कार्डबोर्ड पीसेस को हमें इस लंबाई और चौड़ाई में कार्डबोर्ड की 4 स्टिक्स को कट कर लेना है। बॉगी फ्रेम को थोड़ा सा मोटा बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड की ऐसी 12 स्टिक्स कट करी थी और 3-3 को एक साथ जोड़ के ऐसे मैंने 4 मोटी स्टिक्स बना ली थी कार्डबोर्ड की बॉगी फ्रेम के लिए। उसके बाद जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने पेन की रिफिल को 1.5 सेंटीमीटर कट करके इनको इस स्टिक के अंदर लगा दिया और ये जो पेन की रिफिल्स है वो हमारी बॉगीज के प्राइमरी सस्पेंशन का काम करेंगी और इनके ऊपर बाद में हम PVC वायर लपेटने वाले हैं जिससे कि ये बिल्कुल रियल स्प्रिंग की तरह लगेंगी। व्हील्स के लिए एक्सल बॉक्स बनाने के लिए आप जो है दोनों सस्पेंशन के बीच में गोल गोल सी संरचना देख रहे हैं, इसको बनाने के लिए मैंने एक मोटे चार्ट पेपर की 1 सेंटीमीटर की स्ट्रिप को काटा था और इसको पेन की रिफिल पर रोल करके इसको चिपका दिया था और ये जो है हमारे एक्सल बॉक्स का काम करेंगी। और आगे हम जब भी व्हील्स बनाएंगे तो वो इन्हीं एक्सल बॉक्स के अंदर फिट होंगे। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारी दोनों बॉगीज बनके तैयार हो चुकी हैं और मैंने यहाँ पे 2 DC मोटर भी लगाई है 12 वोल्ट की, जिसके कारण हमारा जो लोकोमोटिव है वो मूव कर पाएगा। मॉडल के व्हील्स मैंने कैसे बनाए हैं ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा,
बाकी अगर आप अगर देखना चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से व्हील्स कैसे बनाते हैं तो आप मेरी वेबसन लोकोमोटिव मॉडल वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया है कि बॉगी फ्रेम और व्हील्स कैसे बनाए जाते हैं। और बॉगी फ्रेम पूरा बनाने के बाद मैंने इसको अंडर फ्रेम में चिपका दिया था, लोकोमोटिव मॉडल के नीचे चिपका दिया था फेविकॉल से, और इसके बाद जो है मैंने इसको ब्लैक कलर में पेंट कर दिया था। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि मॉडल के हमने जो ग्रिल्स होते हैं आयरन ग्रिल्स होते हैं जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये मैंने कैसे बनाए। तो इसको बनाने के लिए मैंने लकड़ी की बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल किया था और जो इसके छोटे वाले डंडे हैं जो इस बड़ी आयरन ग्रिल को सपोर्ट देते हैं उसको मैंने माचिस की तिल्ली से इसके ऊपर चिपकाया था और उसको फिर मैंने फ्रेम के ऊपर चिपका दिया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मॉडल की रनिंग वीडियो क्लिप, तो आप देख पाएंगे कि हमारा जो मॉडल है WTG6G का वो कितने अच्छे तरीके चल पा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए अभी मॉडल की रनिंग वीडियो क्लिप्स। भागले तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरा बनाया हुआ WTG6G का मॉडल भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये मॉडल पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और इन फ्यूचर आप मेरे चैनल पर कौन से लोकोमोटिव्स के मॉडल देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई मॉडल मेकिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।